आज का ये उन्वान जैसा कि मेरे पेशों खैरदीन ने आप लोगों को बताया है, ये तीन तारीखी या तारीख सास अशास क्या क्या इनके है मकामाने रहे। पहले तो मैं एक बात ये जैसा कि हमारे खास साहब ने अली लाल को इससे पहले भी मैं यहाँ अली लाल को स्कूल के एक प्रोग्रामों में आया हूँ तो आप पे वहाँ पे जितना लिखे हुआ है उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं ना सारे जहाँ में तो हमारी जबान की है तो ये उर्दू का है ना मामला है ना ये है। और जो भी है इसके चाहे अली साहब हो या उनसे है ना जुड़े हुए उनके हमनवा या जुम्मेदारान दोस्त अहबाब हैं वो खाली सताइश हैं कि आज की सहमत हालात में आज के हालात में जहाँ हर कोई माँ बाप अपने अपना बच्चों को अंग्रेजी जरिए तालीम से रोशनास कराना चाहता है वहाँ पर उर्दू स्कूल कायम किए और उसके लिए बेहतरीन इंतज़ाम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे इसातेज़ा फिर साथ में धन्य है आप तमाम है तुलबा और तालिबात के वालिदैन जो उर्दू जरिए तालीम को चुना। वैसे मैं एजुकेशन से या तालीम से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात सताते रहती है कि किसी उर्दू स्कूल से मैं मुंसलिक नहीं हूँ। इंग्लिश स्कूल चाहे नोबल स्कूल हो चाहे गोल्डन बर्थ हो फिर है ना दूसरे भी है ना नर्सिंग के कॉलेजेस हैं वहाँ पर तो ये आप उर्दू से उर्दू की है ना बखा के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो धन्य हैं और उनकी जितनी भी तारीफ करें कम है। मैं एक बात है ना यहाँ पे बताना चाहूँगा भुला दी हमने जो असलाब से मीरास पाई थी सुरैया ने जमी पर आसमां से हमको दे पाया उनके है ना वालिद तो आप है ना देखेंगे कि 1919 या 1920 में स्थापना है कहाँ के कहाँ है हम बहुत है ना पीछे हैं लेकिन आज के इस है ना मसाबखती कॉम्पिटेटिव है ना दौर में आप हमारे असातेज़ा को मैं है ना सलाम करूंगा आई सलूट टू देम वो है ना हमारे ना बच्चों को तालीम के नए नए अंदाज से उनको इस तरीके से तरबियत दे रहे हैं बना रहे हैं कि आज बड़े से बड़े एग्जाम में हमारे है ना बच्चे बच्चियां आगे आ रहे हैं जैसा कि IAS IPS हमारे पास एक चलन है बच्चा या बच्ची अगर 90% आ जाती है या 99 आती है अम्मा बाबा भी है ना वही बोलते हैं असातेज़ा भी वही बोलते हैं चलो है ना नीट अप्लाई करो या BBS में जाओ इंजीनियर को जाओ क्या करते हैं भाई या BBS कर दो या MBBS करने के बाद तुम्हारे को एक पेशेंट भी नहीं आता फिर MD की तरफ जाना वो वाला 3 साल है ना पढ़ लो नहीं पढ़ना नहीं नहीं बोलता मैं क्यों पढ़ना अगर उसके वजह अगर आप ग्रेजुएट करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लास 1 क्लास 2 में हिस्सा लें जैसा कि हमारे पास से जिला नवाब से हमारे नोबल स्कूल में जो बच्चा पढ़ा था IAS की है IAS की क्या है ना अहमियत होती है अकरम नखश साहब से पूछिए मेरे जैसे अकरम नखश साहब जैसे IAS के सामने है ना ठहर जाते हैं वो जहाँ पे ना पोस्टिंग होती है वो उस डिस्ट्रिक्ट का प्रिंस होता है राजा महाराजा होता है। अब्रलाल जी मोहसिन बटली तुलबा तालिबात तमाम स्कूल का स्टाफ हाजिर जलसा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अपने रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहता हूँ उसने हमें तौफीक बख्शी
कि ऐसे अशखास पर हम एक प्रोग्राम कर सकें। और शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, उसने इस ट्रस्ट के जरिए इस स्कूल में इस असातिज़ा और तलबा तालिबात के साथ इस जश्न गुलिस्तान हिंद को कामयाब किया। खोल आँख जमीन दे, पलक दे, फजा दे, खोल आँख जमीन दे, पलक दे, फजा दे, मस्जिद से उभरते हुए सूरज को जरा दे। मेरी समझ में इस शेर का जो पस मंजर है वो सब आप ही के लिए है, क्योंकि इस कौम के आने वाले दिनों में इस मुल्क को, इस शहर को, इस उस्ताद को और अपने माँ बाप को हर काम में कामयाबी अदा करने का सिरा आपके मौनों पर है। तो मैं अल्लामा इकबाल के इस शेर का जो जूस है मैं आप ही की नजर करता हूँ। बहरवानी फाउंडेशन की यह कोशिश रही है कि अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर गुजरे। वैसे तो हर स्कूल वाले, हर ट्रस्ट वाले, हर तंजीम वाले अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी नोयत से प्रोग्राम करते रहते हैं। बहरवानी फाउंडेशन 2016 में जश्न गुलिस्तानी हिंद मुगल गार्डन में पहला जलसा किया था, मेरे हिसाब में बहुत कामयाब रहा। उसमें हमने तकरीरी और तहरीरी मुकाबला रखे थे, उसमें खास तौर पर हमने पढ़ा में इंग्लिश में और उर्दू में तीनों जबानों को लेकर मुकाबला किया था। उस जलसे में हमने तकसीम इनाम भी दिया था, मगर हमारी कोर कमेटी ने तय किया कि इस जलसे को, इस जैसे जलसे को फंक्शन हॉल के बजाय स्कूल में किया जाए। तो हमने हर साल एक स्कूल को सेलेक्ट करते हैं और वहां पर ये जलसा करते आ रहे हैं। इस साल हमें टीपू सुल्तान ऑडिटोरियम अलिलाल उर्दू हाई स्कूल में करने का मौका मिला। ये जलसा करने में जितनी मेहनत आपने और आपने असातिज़ा ने की है वो काबिले मुबारकबाद है। हर चीज को कामयाब करने में सभी का हाथ होता है। जहां तक बच्चों का प्रोग्राम मुनक्किद करना है, एक कहावत है, पापड़ बेलने से कम नहीं है। वैसे इसकी कोशिश, इस पे मेहनत ये सब तलवार तलवार की है और उससे ज्यादा दर्द सर आपके असातिज़ाओं का होता है। मैं असातिज़ा का बहुत मशहूर हूँ, इस स्कूल का साथ साथ सभी स्कूल का जो हमारे प्राइमरी फाउंडेशन का हमेशा साथ देते आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अपनी नस्लों के लिए, रोजगार गुजारने के लिए आप लोग हमेशा हमारा साथ देते रहेंगे। जहां तक जश्न गुलिस्तानी हिंद का ताल्लुक है, बच्चों ने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत पसंद आया। तकरीर के अलावा मैं मुबारकबाद देता हूँ जिसने निजामत की, जिसने किरात पढ़ा, जिसने हमद पढ़ा और जिसने नात पढ़ी। और साथ साथ इजहार तशक्कुर भी शायद इस स्कूल की तरफ से है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं हमारे मेहमान खुसूसी का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। जब कभी भी बहरवानी फाउंडेशन कहीं पर भी कोई प्रोग्राम रखे, वो लोग बगैर पूछे अपनी हामी भरते हैं और अपना कीमती वक्त निकाल कर बहरवानी फाउंडेशन के लिए हाजिर होते हैं। दूसरे स्कूल से मुकाबले में, लेकिन इस कम जगह में भी इतनी खूबसूरती से क्लासरूम्स को और स्कूल की जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को जो अकोमोडेट किया गया है, उसके लिए उसके मैनेजमेंट को दिल बहुत बड़ा पेश किया।
तलफ़ुज़ अच्छा था इनका, छोटी मोटी गलतियाँ बहरा थी, क्योंकि अभी ये तो 10th और PUC के स्टूडेंट्स हैं। जब ये बड़ी हो जाएंगी और इसी तरह कोशिश करती रहेंगी इस मैदान में, तो यकीनन ये बहुत कामयाब मुकर्रर साबित हो सकती हैं। और मैं उनसे ये ख्वाहिश भी करूँगा कि वो अपने शौक़ को रोके नहीं, मुसलसल जारी रखें और पढ़ते रहें, खूब पढ़ते रहें। तालीम ही एक ऐसा हथियार है जो आपको हर तरह की कामयाबी से हमकरार कर सकता है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये खास बात इनकी तकरीब में ये थी कि इन्होंने टीपू के दौर को, उनके दौर हुकूमत को और उनके साथ जो जो साजिशें रची गई उसको और उनके दौर इख्तदार का तर्ज क्या था उसका बहुत ही भरपूर और अच्छे अंदाज में जायजा लिया। उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इनके यहाँ तलफ़ुज़ की गलतियाँ कम थी और तकरीर का अंदाज भी बहुत अच्छा था। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अदा करना चाहती हूँ फैमिली फाउंडेशन का, जिन्होंने हमारे बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा करने के लिए ये मौका फराहम किया और हमें ये मौका दिया कि हमारे बच्चों को स्टेज पे आने का, आने और उनकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिला। और साथ ही साथ सिर्फ 2 दिन की तैयारियों में ही बच्चों ने ये कारकर्दगी करके दिखाई है। इससे पहले एग्जाम जो लेट हो गए थे, इसी महीने में रखे गए थे, उसके बाद भी और कोई कॉम्पिटिशन थे जो शहबाज स्कूल से आए हुए थे, वो तमाम चीज़ों में हमें वक्त ही नहीं मिला। सिर्फ 1 या 2 दिन की तैयारी में ही आपके सामने ये पेपर मजमून उन्होंने पेश किया है। तो कुछ गलती हो जाए तो इसीलिए तलबा व तालिबात ने भी पहले शुरुआत नहीं किया कि अगर कुछ गलती हो जाए तो दरगुजर करना। और सर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्हें नसीहत किया, अकरम सर ने। तो हमारे यहाँ पर हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं हम और कई गेस्ट लेक्चर्स वगैरह भी बुलाते हैं सर। तो मुझे इस मौके पर ये याद आया कि हमारे स्कूल के लिए जैसे स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन कन्नड़ा के लिए क्लासेस रखे जाते हैं, एक उर्दू गज़ल शायरी के लिए भी कुछ क्लासेस मुनाकिद किए जाएं, तो अगर आप अपना वक्त कीमती वक्त दें तो हम बेहद शुक्रगुजार रहेंगे। ये प्रपोजल मैं मैनेजमेंट के सामने रखना चाहती हूँ, उससे पहले आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। तो हमारे यहाँ से भी कुछ शायर बनकर निकले, आपके जिस सीने में है वो हमारे बच्चों के सीने के अंदर आ जाए और कुछ सीखें। तो अगर आप मौका देंगे तो इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर, इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। डायरेक्टर टीपू सुल्तान शहीद एजुकेशन ट्रस्ट का, जिनकी सरपरस्ती और रहनुमाई हमारे इजलास को बामकसद बनाती है, क्योंकि आपने ज़बान उर्दू को ज़िंदा रखने की भरपूर कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुनाकिद होने वाले दीगर प्रोग्राम में भी आपका ताउन जारी रहेगा। इस मौके पर हम भी आपके दिल की अमीर गहराइयों से आपके मशकूर मौजूद हैं।